हेलो फ्रेंड्स, हाय, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो कि ये एक्टिव का बुक है, इसमें प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 13, ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 13 है, उसे टीच करूंगा। ठीक है दोस्तों, बुक कोई भी हो आप क्वेश्चन पे फोकस किया करिए, बुक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसमें फोकस करेंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मींस कि आपको द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है। जो प्रश्न है आपका इसमें 3a² x² + 8ab(x) + 4b² = 0, ठीक है, और साइड में कह रहा है a≠0, मतलब a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर लें। ठीक है, शेयर करने और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, आपसे और कोई मैं फीस वगैरह नहीं कह रहा, आपका अपने 1500 रुपये मैंने फीस दी थी, आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही करना है। ठीक है, वही हमारे लिए काफी है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अगर हम a की वैल्यू देखें तो a का क्या हो जाएगा 3a² है ना, ax² + bx + c² = 0, जो द्विघात समीकरण है उसी से तुलना कर लीजिए, और b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 8ab और c बराबर है 4b². ठीक है, चलिए अब इसका क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में मान रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, b का मान है 8ab + -√b² h ab² - 4a की वैल्यू 3a² और c की वैल्यू 4b² / 2 × 3a² बात नहीं। अब यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्तों, -8ab + -√ क्या हो जाएगा 8 × 64a² b⁴ -4×3 12 6 48a² b² ठीक है, सॉरी यहाँ भी आपका 2² ही होगा, 4 नहीं होगा, अपान क्या हो जाएगा 2 × 6 6a² -8ab + -. अब यहाँ से क्या करेंगे, 64 में से 48 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12 √12a² b² / 6a² अगर 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 = 4 3 × 2 = 4 12 मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको -8ab + - क्या मिलेगा 2 ab² क्या मिलेगा 3। ठीक है, a² है a² आएगा b² b² आएगा और 12 का गुणनफल करेंगे 2 × 2 = 4 3 = 12 2 का जोड़ा बनेगा 2 बार आएगा और बटे क्या हो जाएगा 6a². ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो चलिए क्या करते हैं, धन चिन्ह लेने पर तो क्या होगा मेरे दोस्तों, x² - 8ab + 2ab √3/6a² यहाँ से हम क्या करते हैं 2ab कॉमन लेते हैं, यहाँ से मिलेगा -4 + √3/6a² 2 × 2 = 2 3 × 6 1 a से 1 a कट जाएगा b - b क्या हो जाएगा √3/4/3 ये मिलेगा आप 3a, ये हो जाएगा x का एक मान। फिर दूसरे के लिए आप क्या करोगे, ऋण चिन्ह लेने पर
ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस एट ए बी माइनस टू ए बी अंडर रूट थ्री अपान क्या होगा सिक्स ए स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या करते हैं, माइनस टू ए बी कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा फोर फोर प्लस क्या मिलेगा रूट थ्री और अपान सिक्स ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कट जाएगा, दो एक कम दो तीन छह मिलेगा, प्लस यहाँ से क्या मिला माइनस बी अंडर रूट फोर प्लस रूट थ्री अपान क्या हो जाएगा थ्री ए। ये हो गया एक्स के दूसरे मान, यहाँ से आपको एक्स के ये दो वैल्यू फाइंड हुए, ठीक है। पहला क्या है, ये एक्स इज इक्वल टू बी अंडर रूट में थ्री माइनस फोर अपान थ्री है, दूसरा है माइनस बी प्लस अंडर रूट थ्री, ठीक है। यहाँ से शायद नहीं दिख रहा आप लोगों को तो इधर कर देते हैं, बगल में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी ब्रैकेट में फोर प्लस रूट थ्री अपान थ्री, ये टू इसके वैल्यू फाइंड हुए। ओके, थैंक यू।